दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए आईएएस इंटरव्यू में पूछे गए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से पहला सवाल पूछते हैं, कौन से देश में कब्र के ऊपर QR कोड बना होता है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, जापान देश में कब्र के ऊपर QR कोड बना होता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, मनुष्य के शरीर का कौन सा अंग 16 साल के बाद भी नहीं बढ़ता है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर मनुष्य के शरीर का दांत 16 साल के बाद भी नहीं बढ़ता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसा कौन सा फल है जिसे खाने से खून तेजी से बढ़ता है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर अनार फल है जिसे खाने से खून तेजी से बढ़ती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसा कौन सा प्राणी है जो अपने आंसुओं के लिए प्रसिद्ध है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर घड़ियाल है जो अपने आंसुओं के लिए प्रसिद्ध है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, बैगनी गुलाब किस देश में पाया जाता है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर बैगनी गुलाब तुर्की देश में पाई जाती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ट्रेन को रोकने के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर ट्रेन को रोकने के लिए लाल रंग का प्रयोग की जाती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, हवाई जहाज की खोज किस देश ने किया है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर हवाई जहाज की खोज अमेरिका देश ने किया है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, सांप लगभग कितने किलोमीटर तक देख सकता है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर सांप लगभग 2 किलोमीटर तक देख सकता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, किस देश में छत से कूदने पर सजा दी जाती है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर न्यूयॉर्क देश में छत से कूदने पर सजा दी जाती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, उगते हुए सूरज की भूमि किस देश को कहा जाता है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर उगते हुए सूरज की भूमि जापान देश को कहा जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, कौन सा जीव पानी में रहकर भी पानी नहीं पीता है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर मेंढक जीव पानी में रहकर पानी नहीं पीता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्षों के बाद होता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, घी के दीपक जलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर घी के दीपक जलाना मुहावरे का सही अर्थ खुशियां मनाना होगा। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, फ्रिज का पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर फ्रिज का पानी पीने से सर्दी बीमारी होती है। दोस्तों
यह सवाल आपके लिए है, आप बताइए भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? दोस्तों, इस सवाल का उत्तर आप हमें कमेंट में बताना। हम देखना चाहते हैं कि कितने लोग इसका सही सही आंसर दे पाते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वह क्या है जो इंडिया में केवल दो बार ही आ सकता है, तीसरी बार नहीं? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर आई लेटर, जो कि इंडिया में केवल दो बार ही आ सकता है, तीसरी बार नहीं आ सकता। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, 2024 में विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर 2024 में विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति एलोन मस्क है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, मटकी का पानी पीने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर मटके का पानी पीने से ब्लड प्रेशर बीमारी ठीक होती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, भारत में कौन सा अनाज सबसे ज्यादा खाया जाता है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर भारत में चावल अनाज सबसे ज्यादा खाई जाती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, मानव शरीर के किस अंग में पसीना नहीं आता है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर मानव शरीर के होठ में पसीना नहीं आती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, भारत का पहला नागरिक कौन होता है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर भारत के पहला नागरिक राष्ट्रपति होते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, सबसे तेज गति से कौन सा पौधा बढ़ता है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर सबसे तेज गति से बांस का पौधा बढ़ती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, कौन सा पक्षी अपना रंग बदल सकती है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर कोमालिया पक्षी अपना रंग बदल सकती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, किस देश में सोने का एटीएम है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर सऊदी अरब देश में सोने का एटीएम है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, गाय का सबसे पसंदीदा रंग कौन सा है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर गाय की सबसे पसंदीदा रंग हरा है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, पुलिस को हिंदी में क्या कहा जाता है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर पुलिस को हिंदी में राजकीय जनरक्षक कहते हैं।